आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आरआरबी के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। तो देखिए, इस सीरीज में जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन लेकर के आए वही सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे लिखा हुआ कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि आरआरबी राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो ये जो देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें है, ये पूछा गया आरआरबी भोपाल में, पूछा गया 2006 में पूछा गया, इसीलिए यह क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो वो इसका आंसर जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका अंतिम निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसमें निर्वाचित होने के लिए, उसमें चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। और ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा में 2001 में पूछा है और आरआरबी इलाहाबाद में के परीक्षा में 2009 में पूछा है। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो निर्धारित किया गया है वो 35 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी रांची में 2003 में पूछा गया है, आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसी प्रकार से ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए। मतलब आर नारायण जो थे भारत के कितना नंबर के राष्ट्रपति में शामिल होते हैं, और ये भी एग्जाम आरआरबी इलाहाबाद 2005 में पूछा गया है। जो भी इस सीरीज में आप लोगों के साथ क्वेश्चन करवाएंगे वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो। तो इसका जो वो आर नारायण जो थे ये जो थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे वो थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो यह भी एग्जाम में जो पूछा गया आरआरबी रांची में पूछा गया 2006 में, मतलब जितना भी क्वेश्चन देख सकते हैं सब रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और रेलवे का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो निर्विरोध चुने गए कौन से राष्ट्रपति थे, वो इसमें से चारों ऑप्शन में से थे वो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है, अब ऑप्शन के अनुसार देखें कौन होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया होता है, या उपरोक्त सभी होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र का मुखिया होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किससे संबोधित कर प्रोषित करता है, और यह क्वेश्चन 2003 में, 2001 में और 2004 में रेलवे में पूछा गया है। तो मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र देते हैं तो वो अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंप देते हैं, तो वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। यदि कोई राष्ट्रपति कारणवश, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है तो कितना दिन के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए, तो यह जो होता है कम तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए, 6 महीना ज्यादा खाली नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि 6 महीना इसका सही उत्तर होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन
सर्वाधिक करेगा। राष्ट्रपति का भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है। तो राष्ट्रपति का जो काम होगा जो कौन संभालेगा, तो वो जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के जो कार्य है उसको संभालेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और यह भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 2003 में डीएमआरसी रेलवे का एग्जाम होता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसमें पूछा गया, और आरआरबी चेन्नई में 2005 में पीसी में पूछा गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य कितना दिनों तक संभाल सकते हैं, तो वो अधिकतम 6 महीना तक संभाल सकते हैं, जो कि 6 महीना तक इसलिए संभालेंगे क्योंकि 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद क्या रहता है, भरना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। मतलब कोई भी विधेयक विधि है उसमें सर्वोच्च न्यायालय से यदि कोई परामर्श मांगना चाहता है तो किसको अधिकार है, तो वो जो है अधिकार है किसको, राष्ट्रपति को वो अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये भी आरआरबी के 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। मतलब कोई राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसके का किसके तहत लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो ये था क्वेश्चन, अनुच्छेद 256 का 2, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 356 का 4, अनुच्छेद 370। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 370 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा आपातकाल है जो कि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं किसका दिया हुआ है, विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, और सी में है वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि है क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ जो दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है सितंबर 2018 से सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल द्वारा उनका तैयार किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, कौन सक्षम है युद्ध का घोषणा करने में या शांति का फैसला करने में, जो कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से क्या है, सक्षम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। मतलब इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के 2002 में पूछा गया है, फिर 2008 में भी पूछा गया। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार से यह 20 क्वेश्चन का सीरीज था जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित था। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। अगर इसी तरह का तरह से संबंधित आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो यह वीडियो देखने के लिए